أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं मेरे गुलाम यासिन बरार लुत्फान बाद यूसी त्रियान दे 93 सदर बिलेन अपने तीन दे नाल नाल अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैं कोई इलेक्शन वगैरह लड़ता रह रहना जनरल काउंसलर बने हुए सर तुसा पिछले टंडोर च जी हां जनरल काउंसलर दा इलेक्शन लड़या से एक दफा किसान काउंसलर दा भी लड़या से अच्छा ए दसो कि तुसा अपनी मदद आप दे तहत केड़े केड़े इलाके च मौजूदा हुकूमत दौर च केड़े केड़े काम करवाए अलहमदुल्ला अपने लुत्फाबाद दे विच मैं तकरीबन नालियाँ वगैरह हो गई या टफ टैल नवाब आशे खां दे थ्रू और इन दे नाल बाकी कोई छोटी मोटी नालियाँ सड़कां मेटल सड़क दे विच भी मैं थोड़ा ज़्यादा साथ दिता है। अच्छा सर ये दसो कि जिवें खालिद वड़ैच साहब जिले सदर हैं इन्हां बारे दसो कि खालिद वड़ैच साहब ने जिहड़े काम करवाए उन्हें बारे दसो इलाके लुत्फाबाद जी हाँ माशाल्लाह अलहमदुल्ला खालिद वड़ैच साहब और उन्होंने मेहरबानी है और माशाल्लाह अच्छे वर्कर हैं उन्होंने राशन कार्ड वगैरह भी जो मुहैया करवाया और सेहत कार्ड भी मुहैया करवाया जिन्हों के नाल लोगों को फायदा पहुँचता पिए और इन उन्होंने फंड वगैरह का भी इजहार किया है कि लुत्फाबाद को मुहैया करे सूँ। गुलाम यासिन साहब ये दसो कि जिमें कोई इलाके इो जहाँ काम हो जो जनाब की नज़र चुके करवाना चाहते उन्होंने हुकूमत को दसो साकू और सर इवें है कि झाका की आदत ला के ना अपना उतार आए तक एक साढ़े को ऐसी सड़क है भाई 700 फुट उनके स्टूडेंट लड़के भी लंघते हैं और नाल बच्चिया भी लंघ दें। अच्छा जी ये नाल 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 उ कब्रस्तान है पिया जनाजे भी उत गुजरते हैं बारिश वगैरह के माहौल उत्थ गुजरना बड़ा मुश्किल होता है वो सब तो ज़्यादा अहम तो जनाब आदन के वो पक्का थी वने जड़ा इलाका कच्चा ही थी वने बिल्कुल इलाके दे विच कच्ची सड़क है पई असा चाहने है कि पक्की हो वने तो ए दसो कि जिवे इलाके च था असा डिठे वे के था स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर ही वे के जनाब उनी चाहन कि था मिडिल या प्राइमरी स्कूल हो जिन दे नाल बच्चियां को आवन जावन तकलीफ ना होवे उनको सहूलत होवे ओ तो खैर असा आदे है कि जितना नजदीक हो सी बच्चियां नु फायदा पहुंचती के हो दूर न वैसन हर लिहाज महफूज भी रासन और उन्होंने स्कूल घर मिल रहे थे। तो इतना यह दसो कि इतना कोई पानी का प्लांट ही है साफ वाटर प्योरीफिकेशन का प्लांट टैंकी वगैरह तो लाई गई है लेकिन कोई ऐसा मनसूबा कोई नहीं उन्होंने पास करवाया कि जिंदे नाल सारे इलाके लुत्फाबाद में साफ पानी मुहैया हो। तो जनाब उन्हें यह चाहते अलाउ काम को अपील करें कि पानी का मतलब निज़ाम हो साफ पानी का। हाँ बिल्कुल असं आते हैं कि जरा टैंकी वगैरह लाई गई है सारी यूनियन काउंसल लुत्फाबाद के बिल्कुल बंद है कोई उनके नाल लोगों को पानी साफ पानी कोई नहीं मिलता पिया ना कोई प्लांट लाया है ना कोई वैसे कोई ऐसा इंतजाम है लिहाजा साथ है कोई प्लांट लाया वजह जहाँ लोगों को फायदा पहुंचे। ये दसो कि जनाब हुणी जिवें डेरेदार बंदे हैं पे इतना जड़े आंदे साहिल जनाब कोई मसला थी वेंदे तो जनाब हुणी मसला वो अपने डेरे ते हल करें देन या थाने चौकी मतलब हल करें देन दस अपने डेरे ते हल करें देन ते मेरिट ते करें देन जनाब मेरिट ते करें देन। अच्छा ये दसो कोई इहो जिहा काम जड़ा होवे जनाब करना चाहते हो जनाब दे ज़हन च होवे तुसां जिवें बलदियाती इलेक्शन आंदे पए तुसां ये चाहो कि उंदे च मैं बण वन्ना ते ओ इलाके च काम करवावां ओ केड़ा इहो जिहा काम है सारे इलाके दे विच सब तों वड्डा वड्डा मसला इह है पिया कि सेवरेज दा ई टाइम वी साडे लुत्फाबाद दे विच काफ़ी सड़कां दे उत्ते पानी निकला होए असां चाहुंदे आ कि अगर मैं इलेक्शन लड़ा और मैं बणा तां मैं अपने इलाके दी सड़कां वगैरह हो गईआं जिन्हां नालियां दे बल्कि गलियां दे विच भी कोई ऐसी सड़कां हैं जिहड़ी बणियां त्रुटी होईआं और बणियां होईआं कोई नहीं तो उत्थू लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि पानी नालियों का बहर निकला हो जाए सही तो ई टाइम भी ईदगाह को सारा पानी बहर निकलता पिए नालियों तो बहर आता पिए लंघन का रस्ता भी कोई नहीं सही। अच्छा सैकंड ये दसो कि जिमें करोना पूरी दुनिया में मतलब आया हुए वे तो यह दसो कि ये इलाका ही वे ताड़ा गाँव ही वे लुत्फाबाद तो यह दसो कि जिमें एस ओ पीज से हुकूमती इकदाम लोग अमल नहीं करेंगे पे एस ओ पीज से जनाब उन्हें लोग अपने अहले इलाका को क्या पैगाम देना चाहते हैं असा करोना के हवाले ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें मास्क वगैरह जिमें कि आदि के पाता हुआ होना चाहिए और इन हुकूमत भी बार बार आती कि अपनी सेहत वास्ते मास्क पावन और जिमें कि उन्होंने तदबीर दी उन्होंने मुताबिक अमल करना चाहिए। यह दसो जिमें नवा साल आया वे ही बारे दसो कि यह हुकूमत नवे साल आवाम को रिलीफ दे सी
ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵੇ, ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਏ ਵੇ, ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਜਨਾਬ ਹੁਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਲੁਤਫਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰੱਕ ਐਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਆ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਕੋ? ਬਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਦ ਬੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਪਏ, ਅੱਛੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹਨ ਪਏ, ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਦ ਬੜਾਏ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।